रऊफ हसन के भारत के साथ रवाबित के चश्म कुशा सबूत सामने आ गए। बानी पीटीआई के रियासत मुखालिफ बयानियों को फैलाने में भारतीय सहूलतकारी बेनकाब हो गई। गैर मुल्की और भारतीय लॉबी बानी पीटीआई के रियासत मुखालिफ एजेंडे की तकमील के लिए मुतहरिक है। बात करते हैं नुमाइंदा खसूसी अहमद मंसूर, हमारे साथ हैं। अहमद, बताइएगा क्या माजरा है? देखिए, जो पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल रऊफ हसन को गिरफ्तार किया गया था शाहबाद में, जो उनका ऑफिस था पीटीआई का, वहाँ से रिकॉर्ड भी कब्जे में लिया गया। अब उनके जितने भी फ्रेंडिक हुए हैं, उनके जो रास्तों की व्हाट्सएप के हवाले से, मोबाइल के हवाले से, उसमें जो भारतीय साथी किरण खातर है उसके साथ और अमरीकी राइन गरम के साथ जो है रास्ते साबित हुए हैं और बड़े होटल पर उसके तफसीलात हैं। जैसे कुछ शेयर करते हैं जो ग्राय ने भी शेयर किए हैं, 19 नवंबर 2022 को रऊफ हसन की जानब से जो भारतीय साथी किरण खातर से बतौर पार्टी मीडिया कोऑर्डिनेटर रब्ता किया गया था और इस रास्ते में एक सामने मुख्य राशि के मुतवक्का इंटरव्यू के बारे में दरियाफ्त किया। अब फिर 24 नवंबर 2022 को किरण खातर ने रऊफ हसन को जो मौजूदा आर्मी चीफ है जनरल आसम अमीर, उनके बारे में अपना और राणा बनर्जी के साबित सेक्रेटरी हैं रॉ के, उनके साथ यूपी पर होने वाला इंटरव्यू शेयर किया। करने वाले इंटरव्यू में भारतीय साफी किरण खातर ने मौजूदा आर्मी चीफ को इंडिया के लिए ज्यादा हार्ड लाइनर करार दिया था। इसके बाद 25 नवंबर को भारतीय किरण खातर ने जो व्हाट्सएप पैगाम दिया रऊफ हसन के साथ, उसमें जनरल आसिम अमीर के मुतल पाकिस्तानी साफी का इंटरव्यू शेयर किया। यहाँ पर रऊफ हसन ने जवाब में पाकिस्तानी साफी को एक नाकाबिले एतबार शख्स करार दिया और आर्मी चीफ के मुतल साफ मालूम भारतीय साफी किरण खातर के साथ शेयर की। जो बावजूद जराए हैं इस सारी तहकीक से जो वाकफ है, उन्होंने ये तस्दीक की है कि फरवरी 2023 के वक्त पैगाम के जरिए रऊफ हसन ने यूक्रेन के मामले पर ठीक है। अहमद मंसूर, आपका बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे।